लगातार बड़ी बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा की मनोहर सरकार जो कि भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उस पर कुछ ही दिनों में दो बड़े घोटाले किए जाने के आरोप लगे हैं। कांग्रेस के हरियाणा अध्यक्ष अशोक तंवर ने 3 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। इस घोटाले में सरकार के हाथ होने की बात कही गई है। साथ ही माइनिंग हरियाणा में हो रही है, लेकिन मिली अनुमति से ज्यादा माइनिंग की जा रही है और कोई भी उस माइनिंग को रोकने की कोशिशें नहीं करता है। खुद सीएम भी उसमें शामिल है। खुद सीएम के शहर पर यह माइनिंग करवाई जा रही है। सीएम को पूरी जानकारी है, उसके बावजूद रोका जाना जरूरी नहीं। तो अशोक तंवर ने बड़े घोटाले का खुलासा किया है। सरकार और मंत्रियों पर इस घोटाले का ठीकरा फोड़ा गया है। ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। हरियाणा की मनोहर सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन इस बार इनेलो के बाद कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अवैध माइनिंग को लेकर आरोप लगाए। अशोक तंवर ने साफ किया कि सूबे की बीजेपी सरकार के शासन काल में माइनिंग धड़ल्ले से की जा रही है। ये अवैध माइनिंग सरकार के इशारों पर हो रही है। माइनिंग को लेकर अशोक तंवर ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चंडीगढ़ से चलती है प्रदेश की सरकार, और भ्रष्टाचार बिल्कुल चंडीगढ़ से ही शुरू होता है। तो सरकार की बिल्कुल नाक के नीचे से घोटाले की शुरुआत है, और हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी तो गंगा नहा गए और खट्टर जी यमुना खा गए। अशोक तंवर ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि सूबे और केंद्र की सरकार गड़बड़ झाले की सरकार है। प्रदेश की सरकार चंडीगढ़ से चलती है, यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत की जाती है। बीजेपी सरकार में माइनिंग के कारण यमुना का बुरा हाल है। साथ ही अशोक तंवर ने आंकड़े पेश किए और बताया कि यमुनानगर में 13 घाट हैं, 8 में अनुमति मिली है, जहां से केवल 7,000 टन दिन में निकालने की अनुमति मिली है, जबकि यहां एक दिन में 1 लाख टन से ज्यादा माइनिंग की जा रही है। विभाग से कोई परमिशन नहीं ली गई है, ये हम नहीं बोल रहे, ये आरटीआई के माध्यम से हम बात कर रहे हैं। खनन केवल दिन में 8 घंटे हो सकता है, माइनिंग 24 घंटे हो रही है, रात को भी हो रही है। ना इन्फॉर्मेशन के इस तरीके से नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जी को ये सारा मामला पता है, वो खुद भी एक दो जगह देख करके आए हैं। भांजा, भतीजा, जीजे, साले किस किस के हैं, ये तो आप पता लगा सकते हैं। माइनिंग को लेकर सरकार पर पहले भी सवाल उठे, जिस पर सरकार हमेशा सफाई देती रही। अब अशोक तंवर ने हरियाणा में हो रही माइनिंग को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर इसकी सूचना देने का मन बनाया है। साथ ही तंवर ने कहा कि माइनिंग के जरिए अब तक सरकार ने 3 लाख करोड़ का घोटाला किया है, जिसकी जांच के लिए तंवर हर तरीके से लड़ने को तैयार है। अब देखना होगा कि सरकार पर एक और घोटाले का आरोप लगा है, अब सरकार का रुख क्या होगा। चंडीगढ़ से कुमार रमेश की रिपोर्ट। एक और घोटाला इसलिए भी कहा गया क्योंकि दवा घोटाले के इनेलो की ओर से आरोप लगाए गए थे। इनेलो सांसद ने आरोप लगाए थे, अब कांग्रेस की ओर से आरोप लगे हैं और बड़े घोटाले के आरोप लगाए गए हैं। सरकार क्या कहती है और क्या एक्शन लिया जाता है, जांच करवाई भी जाती है या फिर नहीं, चर्चा करेंगे। इसी पर भूम सिंह राणा है हमारे साथ, हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता। आप हैं संजय आहूजा को फोन लाइन पर हम जोड़ेंगे बीजेपी की ओर से। साथ ही प्रवीण अत्रे साहब है हमारे साथ, इनेलो प्रवक्ता। राजनीतिक विश्लेषक अनिल आर्य जी हमारे साथ हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन रॉय इस चर्चा में हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है इस चर्चा में। हालांकि राणा साहब, बात करें तो जी को हमने सुना, पीसी उनकी सुनवाई हमने, वाइट भी उनकी सुनवाई, जो आरोप है आपके जुबानी अगर जानना चाहें, क्या कुछ आरोप आप लोगों की ओर से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल बोल के सरकार बनाई थी जी। आज वही भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में बिल्कुल डूब चुकी है। आज उसके सारे एमएलए, मंत्री और रिश्तेदार सब घोटालों में संलिप्त हैं, और माइनिंग के उसमें जो आज अशोक तंवर जी ने ये खुलासा किया है जी। इतना बड़ा घोटाला है, इतना बड़ा घोटाला है कि सरेआम आज माइनिंग, पहले जहां 500-700 रुपये ट्राली मिलती थी, आज वो 2-3 हजार
ढाई तीन हजार रुपए के अंदर रेत हमें मिल नहीं रहा मकान दुकान बनाने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे करती थी, बड़ी बड़ी बातें करती थी, आज उसके प्रवक्ता तक भी यहाँ आने के लिए, जवाब देने के लिए जनता को यहाँ पर हाजिर नहीं है। हाँ। और आज खट्टर साहब को कोई किसी भी तरह का एक सरकार चलाने का कोई हक नहीं है। जो आज सरेआम उन्होंने आज माइनिंग के लिए, जो माइनिंग में उसके सारे मंत्री संतुलित हैं, आज सभी एमएलए उसके रिश्तेदार, और मैं एक नारायणगढ़ का अगर उदाहरण दूं, वहां पे 500-700 हजार लोग बाहर से माइनिंग कर रहे हैं वहां पे, और कोई कहा सभी एमएलए शामिल हैं, सभी विधायक, सभी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी है, आप लोगों के पास सबूत देंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, सारे हुए सभी के सबूत हैं। और अगर सरकार इसका दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती है, इसकी जांच करा के, आज कहीं पर भी कोई जांच का वो नहीं, सिर्फ लिपापोती की जा रही है, बस बड़े बड़े विकास और ये वो मोदी जी ये इन चीजों को दिखा के। मोहसिन राणा जी, एक बार फिर से मैं आपसे लोगों का पेट भर, सभी विधायक शामिल हैं? हाँ जी, सभी मतलब सभी सरकार के सभी विधायक, सभी सरकार के सभी विधायक इसमें शामिल हैं, भाई भतीजे रिश्तेदार, और सरकार पे कोई जू नहीं रेंग रही किसी भी तरह की। और इसके जनता को आज त्राही त्राही है, गुंडागर्दी का आलम ऐसा हो रहा है बिल्कुल धोखड़ी नारायणगढ़ के अंदर। क्या अभी आपके जब पास सबूत होंगे ऐसे? जब विधायक अगर संदिग्ध हैं तो उसके साक्ष्य बिल्कुल क्या, उसके सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, आने वाले समय के अंदर हम बिल्कुल सभी के सबूत देंगे। और मुख्यमंत्री, जिस तरह पंजाब के मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वे करके वहां का सभी वो किया है और वहां पे लगाम लगाई है, तो क्या मुख्यमंत्री इस पे लगाम नहीं लगा सकते? परंतु मुख्यमंत्री इस करके नहीं, मुख्यमंत्री के अपने चेहते करनाल के अंदर माइनिंग कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री किसी भी तरह का रोकने का कोई प्रयास नहीं कर रहा। आज माइनिंग को लेके आज हरियाणा में आतंक का माहौल है, आज हजारों डंपर, हजारों लोग अवैध डंपर चल रहे हैं, जो वो लोगों को कुचल रहे हैं, एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, आज उनको कोई रोकने वाला नहीं, आज गुंडा तक। ज्योति, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है कि आज प्रदेश में भ्रष्टाचार पूरे जोर पे है। आज सरकार में बैठे हुए लोगों के संरक्षण में बाकायदा भ्रष्टाचार पनप रहा है, इसमें भी कतई कोई दो राय नहीं है कि इलीगल माइनिंग इस वक्त प्रदेश में पूरे जोर शोर से हो रही है। आपको याद होगा इसके ऊपर हम अक्सर डिबेट में भी चर्चा कर चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला तो लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि किस तरह से प्रदेश के मंत्रियों के संरक्षण में इलीगल माइनिंग हो रही है प्रदेश के अंदर। और जहां तक इलीगल माइनिंग का सवाल है, डाडम का जो मामला आया जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ये बात कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय जो है वो उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया उस कॉन्ट्रैक्ट की अलॉटमेंट के अंदर, जहां पे एक कंपनी से दूसरी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट किया गया था, ये बाकायदा कोर्ट की टिप्पणी है। तो स्पष्ट हो जाता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय भी इस तरह के मामलों में संलिप्त है। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये भी है, आज अशोक तंवर जी भ्रष्टाचार प्रदेश में हो रहा है, इलीगल माइनिंग हो रही है, इस पर बात करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना भी चाहिए। महत्वपूर्ण चीज ये है कि जांच की मांग की, अभी भूप सिंह राणा जी भी कह रहे थे, तंवर साहब भी कह रहे थे कि जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं ये बात कहूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ कि प्रदेश के अंदर हर सरकार के कार्यकाल की जांच होनी चाहिए, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए, चाहे वो हमारा कार्यकाल रहा हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का पिछले 10 साल का कार्यकाल रहा हो, भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकाल रहा हो, या इससे पहले भजनलाल जी का, बंसीलाल जी का, जो भी कार्यकाल, प्रदेश की जनता को पता लगना चाहिए कि ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री कौन है। मैं दावे से कह रहा हूं भ्रष्टाचार की गंगोत्री कांग्रेस है पूरे देश के अंदर। और अगर हर कार्यकाल का सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच होगी तो प्रदेश की जनता को भी पता लगना चाहिए कि भ्रष्टाचार किसने किया, प्रदेश के संसाधनों की लूट किसने की, वो प्रदेश की जनता के सामने आना बहुत जरूरी है। राणा जी, मैं तो बता रहा हूँ आपको, इसीलिए आप भी आप मांग कीजिए कि सभी सरकारों के कार्यकाल की जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जैसे जांच हो, सच्चाई प्रदेश की जनता के सामने आनी चाहिए। अभी कांग्रेस जो कहती है कि बीजेपी के सारे ही विधायक शामिल हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं सभी विधायक शामिल हैं, किसी ना किसी तरह के भ्रष्टाचार में हर विधायक शामिल है, ये बात मैं भी कहने को पूरी तरह से जिम्मेदारी से। देखिए माइनिंग का मैं बताऊं, माइनिंग में क्या किया हुआ है, इनके कुछ मंत्री जिनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो नदियां निकल रही हैं,
उनका वहां पे डोमिनेंस है और जो मंत्री सरकार के अंदर थोड़ा मजबूत स्थिति में माने जाते हैं उनका डोमिनेंस है। और बहुत से विधायक जो हैं वो, अब देखिए जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरियों की बात थी, उसके अंदर 3500 रुपए की पर्ची कॉन्ट्रैक्टर काटता था और एक महीने या दो महीने की तनख्वाह उस कैंडिडेट को, उस विधायक को देनी पड़ती है जो उसके नाम की सिफारिश करता है। ये भ्रष्टाचार है। जिस तरह से पेवर टाइल का मामला हुआ था, पंचायतों में बेंच लगने का मामला हुआ था, हर विधायक जिसने अपनी पेवर टाइल की फैक्ट्री लगा ली या अपनी नहीं लगाई तो किसी पेवर टाइल की फैक्ट्री में हिस्सेदारी कर ली, 100% हर विधायक भारतीय जनता पार्टी का जानेंगे। संजय आहूजा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आहूजा साहब, पहले आपका बहुत स्वागत है और दूसरी आपसे शिकायत है कि बीजेपी की ओर से कोई भी प्रवक्ता स्टूडियो में रखी है इतने बड़े मुद्दे पर, आप लोगों पर बड़ा आरोप लगा है, 3 लाख करोड़ का घोटाला किया गया, अवैध माइनिंग करवाई जा रही है, 24 घंटे माइनिंग हो रही है, ये कांग्रेस के आरोप है सरकार पर जिसकी की सीएम को भी जानकारी है, ये आरोप। जी धन्यवाद आपका। एक बात और क्लियर कर दूं आपको कि आज प्रवक्ता बीजेपी का नहीं है तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं फोन पे उपलब्ध हूँ आपके साथ और किसी कारणवश मैं नहीं आ पा रहा वहाँ पे, मैं किसी फंक्शन में था तो पहले से बात हो गई तो मैं आ गया बाहर। और दूसरी बात, विपक्ष आरोप सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगा रहा है, सिद्ध नहीं कर पा रहा अभी तक कोई भी चीज, मतलब आरोप लगा दिया 3 लाख करोड़ का, नहीं सिद्ध तो जांच करवाएंगे तो होगा ना, सिद्ध होगा या फिर नहीं होगा, जांच करवाइए सरकार में। जी ज्योति जी पहले पूरी बात सुन, आरोप लगाने के लिए आरोप लगा रहे हैं, हमने कहा हम जांच कराएंगे, इसकी भी इनको संतुष्टि नहीं होती कि हर बार आप कह देते हैं कि जांच कराएंगे, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। और दूसरी बात, पिछले जो अभी हेलो हाँ जी जी बोलिए बात पूरी कीजिए जी, जो प्रवीण अत्रे जी अभी बात कर रहे थे कि जांच जो पिछली सरकारें रही हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, मैं इनसे ये गुजारिश करूंगा, मैं एकदम से इस मुद्दे पर बोल रहा हूँ कि मेरे पास अब फिक्र नहीं है कि जांच ये होनी चाहिए कि आज से 3.5 साल पूर्व जितना रेवेन्यू खनन से आता था वो आज 3.5 साल में कितना आ रहा है हमारी सरकार में, उस रेवेन्यू की फिगर आप मैच करेंगे तो ये आइडिया लग जाएगा कि किसके टाइम में काला बाजारी देखिए वो तो बंद भी रखी माइनिंग सर, वहाँ तो 700 रुपए ट्राली मिलती थी, अब 3000 रुपए मिलती है। उसके बाद श्याम सिंह राणा जी भी हमारे साथ। संजय जी एक चीज तो मैंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि प्रदेश में हर सरकार के कार्यकाल की जांच करवाइए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से, मैं एक यहाँ पे चैनल पे कह रहा हूँ, प्रदेश की जनता को पता लगना चाहिए कि प्रदेश में ये जो भ्रष्टाचार संसाधनों की लूट हुई है वो किस सरकार के कार्यकाल में हुई है, नंबर एक। नंबर दो, संजय जी मैं एक बात जरूर कहूंगा, जब भी विपक्ष आरोप लगाता है आपकी तरफ से, मंत्री महोदय की तरफ से या मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक बात कही जाती है, केवल लगाने के लिए आरोप है, आप विपक्ष के आरोपों को हल्के में नहीं ले सकते, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर विपक्ष ने आरोप लगाया है तो सरकार उसकी जांच करवाए। लेकिन हमेशा से ये हुआ है, हमने जिस वक्त धान खरीद घोटाले का आरोप लगाया, अभय सिंह जी बाकायदा सबूत डॉक्यूमेंट पे कागजों में सबूत लेके मुख्यमंत्री जी के पास गए, हम साथ थे, उनको बताया कि ये देखिए डॉक्यूमेंट्स, ये सबूत है, ये किसानों की कंप्लेन है, व्यापारियों की कंप्लेन है, आप इसकी जांच करवाएं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जांच नहीं करवाई। कितनी करवाई जाती है, कैसी करवाई जाती है, जब हम आपको वो सवाल है, निश्चित रूप से जांच करवाना। विधायक फोन लाइन पर जुड़े हैं, वो भी अपना पक्ष रखेंगे। राणा साहब बहुत स्वागत है आपका। आज आपने अशोक तंवर को सुना होगा, वीडियो भी आपने देखा होगा जो दिखाई गई, आपके समेत बाकी विधायकों पर भी आरोप लगाए गए हैं कि सभी विधायक बीजेपी के मंत्री और खुद सीएम भी शामिल हैं, उनकी शह पर ये पूरा घोटाला करवाया जा रहा है जिसका आंकड़ा बहुत बड़ा है, बताइए। श्याम जी सुन पा रहे मुझे आप? श्याम सिंह राणा जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? चले लौटेंगे इनके पास, सवाल का जवाब लेंगे, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। अनिल जी क्या कुछ कहेंगे जो आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस की ओर से उन पर? ज्योति जी मुझे तो ठीक से याद है कि जब 2005 में पहली बार सरकार बनी थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, तभी थोड़े दिन के बाद एनजीटी का बहाना लेके और जो है बैन लगा दिया गया था माइनिंग के ऊपर, और माइनिंग जो है जारी रही थी, मतलब ऑफिशियली माइनिंग बंद कर दी गई थी, और दो नंबर में अवैध की माइनिंग पूरे 10 साल तक चलती रही है। तो अशोक तंवर जी को शायद उस टाइम इस बात का संज्ञान नहीं था कि कैसे क्या होता है, और एक इनेलो के विधायक भी उसमें खूब अच्छे से शामिल रहे हैं, जो उनके ट्रक जो है दिन में उधर जाते थे, रात को उधर जाते थे। तो ये तो जो सब प्रदेश के संसाधनों की जो लूट है,
वो कन्फर्म रूप से की जा रही है और आरोप जो है उनमें सत्यता है। ये ट्रक जो है आपको दिखेंगे क्योंकि ए ग्रेड का जो अच्छी क्वालिटी का रेत है वो यमुनानगर में मिलेगा। जैसे जैसे यमुना नदी आगे की तरफ जाती है रेत का जो क्वालिटी है वो खराब होती चली जाती है। तो सबसे ज्यादा अगर किसी भी चैनल ने देखनी है, किसी भी आदमी ने देखनी है, जाके एक बार यमुनानगर में जाके देख ले, वो हर एक जगह माइनिंग होती मिलेगी। और माइनिंग जो है नहरों में भी है नीचे, और हरियाणा के दो तरह माइनिंग है, एक यमुना नहर में है, एक अरावली पर्वत में है। डालम वाला की जो जैसे अभी बताई इनेलो के प्रवक्ता जी ने बात कि वो 100% सही है बात कि वहाँ लगभग सुप्रीम कोर्ट के सारे नियमों को और सारी बातों को ताक पर रखकर वहाँ माइनिंग आज भी जारी है। तो संसाधनों की लूट तो कन्फर्म हो रही है, लेकिन ये आरोप के अभी हो रही है ऐसा नहीं है, पिछली कई सरकारों के टाइम से जारी है। सहूलियत के हिसाब से बातें होंगी। अब कांग्रेस ज्योति इसीलिए हमने ये बात कही है कि सबकी जांच करवाए, सच्चाई प्रदेश की जनता के सामने आनी चाहिए, जनता को पता लगना चाहिए। चलिए श्याम सिंह राणा जी एक बार फिर से फोन लाइन पर है। राणा जी आप क्या कुछ कहेंगे जो आरोप लगाए गए अशोक तंवर की ओर से कि सारे ही विधायक शामिल हैं, आपका नाम भी रहा, बाकायदा वीडियो दिखाई गई। देखिए ये आरोप निराधार है जो बात कहते हर दौर में कोई विधायक का रोल उसमें, ये तो सरासर वैसे ही उनको जानकारी में होना चाहिए था कि कोई रोप लगाओ और दौड़ जाओ जी। रोप लगाना आसान है लेकिन रोप किसी तथ्यों के आधार पर लगाए ये तो साबित करे। वो सबूत दिए गए उनके ओर से, वीडियो दिया गया है, कागजात दिए गए हैं, आरटीआई का हवाला दिया गया है, खास बात कागजातों के लिए नहीं। वो जिस समय से आप मेरे से बात कर रहे हो मेरे को जानकारी में ये नहीं आता ना भी हमारा कौन सा वीडियो है दौर से। अभी हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया जो कि अशोक तंवर की ओर से दिखाया गया है, आपने वीडियो वो नहीं देखा आज? नहीं वीडियो अब जैसे यहाँ पर ऑक्शन हुई है माइनिंग की, ये सरकार के नियम से 14 नाके लगे हैं यहाँ पर सरकार की तरफ से। हाँ। हर नाके पे 5-6 की ड्यूटी है लगी हुई सरकार की तरफ से। ये माइनिंग और लोडिंग और माइनिंग को अनफेयर मीन से करने के लिए तो सरकार ने 11 नाके लगा रखे यहाँ पर, ये रोकने के लिए लगा रखे सर ये काम जी। सरकार अभी जो आरोप लगाए गए हैं वो अपने आप में बड़े हैं, आप लोग जांच करवाएंगे उनकी? ना जांच कराएंगे क्यों नहीं, जांच कराएंगे। अरे ये तो कांग्रेस का एक ट्रेंड रहा, अभी आरोप लगाओ और दौड़ जाओ, चले जाओ बस आरोप एक बार कह के फिर आप लोग दौड़ने मत दीजिए ना। आप लोग आरोप जो भी लगाए गए हैं उनकी जांच करवाइए साक्ष्य लेकर, बिल्कुल जांच कराने के पक्ष में। राणा जी आप किससे जांच करवाएंगे? आज जांच जिससे भी जांच तो असल में तो सुप्रीम कोर्ट के जज से है, किसी रिटायर्ड जज से हो या वर्तमान के जज से हो। तो आप सत्ताधारी दल के विधायक हैं, हम ये बात मान लें कि आप यहाँ चैनल पे ये वायदा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से आप इनकी जांच करवाएंगे? नहीं जांच करानी भी चाहिए, जब आरोप लगता है उसको या तो साबित करे कोई। नहीं फिर आप मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि इसकी जांच करवाई जाए? हाँ बिल्कुल जांच करेंगे, जो जो आरोप लगते हैं उनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जो जितने भी आरोप लगाए हैं सारे सारे आरोप लगाए जैसे जांच करवाई जाएगी। आप सिफारिश करेंगे सीएम साहब से? आप सीएम साहब को कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से ही करवाई जाए? किसी से भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं किसी से अलग विषय हो जाता है ना फिर अनिल आर्य जी। नहीं राणा जी, राणा साहब एक बात, एक सवाल मेरा भी है। मैं केवल अशोक तंवर जी के आरोपों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो चलो विपक्ष के आपने कह दिया, आपके खुद के एमएलए ने भी आरोप लगाए हैं। मुलाना के एमएलए संतोष सारवण जी ने बाकायदा प्रेस में कहा था कि यहाँ अवैध माइनिंग हो रही है और उसका झगड़ा है जिससे मेरे ऊपर हमला भी किया गया है, उसकी जांच हो गई है? क्यों बच रहे हैं आज? आपको पता नहीं नारायणगढ़ में कितना बड़ा घपला हो रहा है इस बात का, यमुनानगर में आपके जिले में कितना बड़ा घपला हो रहा है। तो इसके लिए भी अगर सिर्फ ये आरोप ही नहीं है, ये आज जनता त्राही त्राही, आज गुंडा तत्व वहां पे नाकों के ऊपर, हरियाणा से जो गुंडा तत्व है वहां पे खड़े हैं, जी को चर्चा में जोड़ेंगे, 500-500 लोग, हजार हजार लोग वहां पे, लूट खसोट चल रही है। जो ट्रैली 700 रुपए की रेत की आती थी वो आज 2,500-3,000 रुपए की। सरकार के दावे हैं भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस के, दूसरी और ये बहुत बड़ी आरोप है। लाहौर के अंदर यमुनानगर जिले के अंदर काफी सालों से सुनेंगे आपको, एक बार के लिए आप सुनिए। सारा रोजगार बंद था यहाँ पर, सरकार ने इसको विधिवत रूप से ऑप्शन कराया और ये इसको खनन को शुरू किया, रेत बजरी के काम को शुरू कराया सरकार ने। ये जो चलिए जानेंगे आपका पक्ष विस्तार से जानेंगे, एक बार के लिए सुनिए राजीव रंजन जी हैं हमारे साथ। ये जो इलीगल माइनिंग का मामला है ये देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप के प्रोटेक्शन में होता है और हरियाणा इसका अपवाद नहीं है।
उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होता है, हरियाणा में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है। और यहाँ एक बात जो अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी इस प्रकार के जब केसेस होते हैं तो उसकी कोई जांच नहीं होती है। मैं आपको याद दिला दूं कि कुछ साल पहले मध्य प्रदेश में एक आईपीएस ऑफिसर के ऊपर ट्रैक्टर चला दिया गया और उनकी मौत हो गई, कोई जाँच नहीं हुई। आज एक पत्रकार के ऊपर जो माइनिंग माफिया है, उन्होंने ट्रक चला दिया मध्य प्रदेश में, उसकी कोई जाँच नहीं होगी। और हरियाणा में एनसीआर में अरावली रीजन में ये वर्षों से इलीगल माइनिंग हो रहा है, और उस इलीगल माइनिंग में जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो पावरफुल पॉलिटिशियंस हैं उसका हाथ है, ये सबको पता है, सेंट्रल लीडरशिप को भी पता है। अब ये इलीगल माइनिंग को आपने पॉलिटिशाइज कर दिया है, ये पॉलिटिकल फंडिंग का एक आपने इसको तरीका बना लिया है, इससे इस वजह से किसी भी प्रकार की कोई एक्शन नहीं ली जाती है। दुर्गा नागेश के साथ जो ग्रेटर नोएडा में हुआ, उनकी ट्रांसफर हो गई, क्या कोई एक्शन लिया गया? कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये जो इंटायर ये जो सिस्टम है इसको इस प्रकार से पॉलिटिसाइज कर गया है, और इसको इतना स्ट्रांग पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलता है कि कुछ नहीं होता है, और ये इस प्रकार से अनवरत चलते आ रहा है। ये बात नहीं है कि ये बिल्कुल इस बात में दम है, और मैं अत्रे साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर आप सीरियस हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, कांग्रेस भी तैयार हो, भारतीय जनता पार्टी की भी तैयार हो, और एक सीटिंग जज से नहीं, आप एक ज्वाइंट कोई एमएलए की कमेटी बन, बिल्कुल नहीं करवाएंगे। कहीं कहीं आज तक हिंदुस्तान में ऐसा हुआ ही नहीं है, नहीं हो सकता, क्योंकि विल पावर नहीं है, विल पावर नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो सत्ता से जा चुके हैं, जांच करवाई जाएगी, देखिए ज्योति, व्यवहारिक हो सकती है, व्यवहारिक अगर हम डिमांड कर रहे हैं, और जो दल राजनीतिक दल इस जांच से बचना चाहता है, तो स्वाभाविक है कि भ्रष्टाचार जो है उनके अंदर पनपा हुआ है और भ्रष्टाचार के संरक्षक है, ये साबित हो जाएगा। प्रदेश की जनता को सच का तो पता लगना चाहिए, उनको ये तो पता लगना चाहिए कि भ्रष्टाचार किसके कार्यकाल में हुआ। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो है, देखिए अब हरियाणा प्रदेश में क्या हो रहा है, विशेषकर किस तरह से भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है मुख्यमंत्री जी द्वारा। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि अगर नेता प्रतिपक्ष सदन के अंदर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं एसएससी के चेयरमैन के खिलाफ, और मुख्यमंत्री जी सदन में ये बात अगर कह दे कि मैं उनको बहुत पहले से जानता हूं, उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि तो भ्रष्टाचार को संरक्षण नहीं हुआ तो क्या हुआ? श्याम सिंह राणा जी, आप फोन लाइन पर, अगर सीएम को जानकारी है, ये बात कह दी जाए कि सीएम के संज्ञान में पूरा ही मामला है, क्या फिर माना जाए कि सरकार और सीएम गंभीर नहीं इस तरह के आरोपों पर? देखिए मैडम, आप इस बात को जानते हो भी, बीजेपी की सरकार आने से पहले माइनिंग बंद थी कागजों में, सरकारी कागजों में। अरे यहाँ के लोग इतने परेशान थे, जमुना में खनन फिर भी चल रहा था, पिछली सरकारों के अंदर अनफेयर मींस से खनन था सारा, ये इस बार सारा ऑप्शन दे के इसको विधिवत रूप से नाके लगा के कंट्रोल कर रहे हैं सिस्टम में बीजेपी सरकार जी। और मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए तो सारा ये नाके लगाए हैं ताकि अनफेयर मींस यूज ना हो। और इस बात को आप आके देख लीजिए, मौके पे आके कैमरे लगे हुए हैं, 11 जगह अधिकारी बैठे हैं, ये सारा सिस्टम रोकने के लिए किया हुआ सरकार ने। अगर सरकार इसको क्या सिस्टम रुक पाया, फिर 8 घंटे माइनिंग होने के बजाय 24 घंटे माइनिंग की जा रखी है, ये कांग्रेस के आरोप है। नहीं, आरोप तो लगाने आसान है, लेकिन आप यहाँ पर जमुना नगर में आके देखिए 11 नाकों पे अधिकारी खड़े हैं, किस लिए लगा रखे ये? अगर अनफेयर मीज करना था, नारायणगढ़ में 8 करोड़ रुपए का अवैध पर्चियां, अवैध पर्चियां जो कि फेसबुक पे डाली है वहां के पत्रकारों ने, इतने बड़े उस पे वो कर रहे हैं वहां पे माइनिंग, और कोई सरकार का सिस्टम नहीं उसमें, कोई सरकार का सिस्टम नहीं है। 11 जगह नाके लगे हैं श्रीमान जी, नहीं वो वहां लग रहे होंगे, परंतु क्या यमुनानगर सारे जिले में लगे हैं? सारे जिले अंबाड़ा में लगे हैं, तो उस तरह में भिवानी में लगे हैं। अपने कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, 11 जगह लगे हो जाना, क्या ये सुनिश्चित कर देता है कि किसी तरह का भी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? सारी रात माइनिंग होती है, जहाँ पे 8 घंटे की परमिशन है वहाँ रात में माइनिंग का क्या काम है? दिन में 8 घंटे से ज्यादा माइनिंग होनी है, 24 घंटे माइनिंग की जा रही है, इस बात का संतोषजनक जवाब दीजिए। तो कोई ऑप्शन भी नहीं थी। अरे इतने इतने बड़े खड्डे खोद दिए थे यहाँ पर जमुना के अंदर, उसकी किसी ने कोई चर्चा? आप आज आज के बीच में जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, वही उन्होंने तो कराया था वो।
देखिए उनसे जवाब ले लेंगे, लेकिन बीजेपी का जवाब आप ही देंगे। कांग्रेस के राज में 10 साल खनन होता रहा, लेकिन सरकारी सरकार के पास राणा जी अब जो हो रहा है, अब आप इंक्वायरी कराओगे या नहीं कराओगे, आप जनता को इसी तरह मूर्ख बनाओगे? आप आज जनता त्राही त्राही करी पड़ी, आज गुंडा तत्व माइनिंग के द्वारा हैवी हो चुके हैं। शहरों में माइनिंग को लेकर लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। हमने कहा भी कि माफियाओं की लड़ाई हो जाती है, गैंग वार शुरू हो चुकी है। आप शुरू से लेकर इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। राणा जी सरकारों हरियाणा कांग्रेस ने आज एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 3 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का प्रदेश सरकार में घोटाला हो रहा है, और वो भी माइनिंग के बारे में। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जानते हैं कि दरअसल क्या हकीकत है और क्या है जो उनके आरोपों में सच्चाई। सर वो कह रहे हैं कि 3000 रुपए से अधिक का माइनिंग घोटाला हो रहा है और सरकार सब कुछ देख रही है, लेकिन मूक दर्शक बनी है, कुछ कर नहीं रही। क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार सब कुछ देख रही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस दिन से सरकार आई है, सरकार ने हर तरह के जो टेंडर हैं, किसी भी विभाग के हैं, वो सारे टेंडर ऑनलाइन किए हैं, पारदर्शिता से किए हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी जब खुद आरोपों में फंसी हुई है, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ जब कोई ना कोई कार्रवाई होती दिखाई दे रही है, तो केवल उस विषय को थोड़ा डाइल्यूट करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए केवल कांग्रेस इस प्रकार के आरोप लगा रही है। चाहे वो माइनिंग के टेंडर हैं, किसी दूसरे विभाग के टेंडर हैं, सब टेंडर ऑनलाइन है, सब में पारदर्शिता है। वो कहते हैं कि सबको पता है कि क्या हो रहा है और उनके विधायक को भी जानकारी है पूरे की अवैध खनन हो रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो हमने आरटीआई लगाई उसके आधार पर हम इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सरकार को चाहिए अभी भी जागना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर यमुना से इतना बड़ा खनन होता तो लोग डूब जाएंगे आने वाले समय। देखिए, सरकार पूरी तरह से जागी हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक सवाल है, जिसे मैंने बताया, कांग्रेस पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री तक आरोपों के घेरे में हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ने अपने फैसले दिए हैं इन लोगों के खिलाफ, तो इसलिए अपने विषय से ध्यान भटकाने के लिए लोगों का इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। सरकार पूरी तरह से हर मामले में, इस तरह का जो भी मामला होता है, उसमें पूरी तरह से जागृत है। तो ये थे सुभाष बराला, जो साफ तौर पे कह रहे थे कि कांग्रेस का काम है केवल आरोप लगाना, लेकिन सरकार को सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है। उन यहाँ तक कि जो टेंडर भी होते हैं वो भी ऑनलाइन है, कहीं से कोई घोटाला कोई घपला नहीं है। कैमरामैन जतिन के साथ कुमार रमेश, खबरें अभी तक, चंडीगढ़। तो सुभाष बराला के साथ हमारे संवाददाता कुमार रमेश ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुद्दों को हटाने की कोशिशें कर रही है। उन मुद्दों को जिन पर उन पर जांच हो रखी है, कार्रवाई की जा रही है, उनको डाइल्यूट किए जाने की कोशिशें की जा रही है कांग्रेस की ओर से। भूम सिंह राणा जी, क्या मुद्दों से भटकाने की कोशिशें हैं, क्या जांच से भटकाने की कोशिशें हैं, जो कार्रवाई की जा रही है उनसे भटकाने की कोशिशें हैं, इस तरह के आरोप लगा के? जो कि बराला साहब को लगता है आज जो हरियाणा की जनता महसूस कर रही है, आज भारतीय जनता पार्टी किसी भी बात पे, क्योंकि ये बोलने में माहिर है पूरे, इससे पहले इन्होंने 3.5-4 साल निकाल दिए सिर्फ बात कर करके आज मुद्दों को, आज अगर रोजगार की बात ना करें, स्वास्थ्य की बात ना करें, शिक्षा की बात ना करें, किसान की बात ना करें, इसको लेके ये गाय वाले मुद्दे पे या किसी और मुद्दों पे या कोई और बड़ी अलग बातों पे, और बड़े बड़े मोटरसाइकिल रैली करके और करके मुद्दे तो ये भटका रहे हैं। अलग विषय है, ये मुद्दे ये भटका रहे हैं। आज जो ये घोटाला है, इसको अलग कहीं वो ध्यान ना जाए लोगों का, इसके ऊपर ना रहे। तो मनोहर सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस के दावे पर बड़ा वार किया गया है। कांग्रेस की ओर से इस बार ये वार किया गया है कि 3 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है, उसी को लेकर एक खास पैनल के साथ हम चर्चा कर रहे हैं। भूम सिंह राणा जी, क्या लगता है आपको, सरकार कब तक गंभीरता से लेगी आपके आरोपों को? हालांकि पीसी कर दी गई, कब तक ये साक्ष्य पूरी तरह से सरकार के सामने पेश कर दिए जाएंगे कि जांच करवाइए? हमने और हरियाणा की जनता ने सारे सरकार का जो सरकार के सामने अपनी बात रख दी है, अब सरकार के ऊपर है वो किस तरह अपने आप को, जो जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं, कि उसके अंदर भ्रष्टाचार की इसकी जांच कराएं जी, और दूध का दूध और पानी का पानी कराएं। परंतु मुख्यमंत्री, उसके मंत्री और जो एमएलए इसमें इन्वॉल्व हैं और रिश्तेदार उनके सभी, और इन्होंने आज पूरी तरह से हरियाणा में हाहाकार मचवा दी है। मुझे नहीं लगता भी ये किसी बात को सीरियस लेंगे, और हरियाणा कांग्रेस को सड़कों पे आना पड़ेगा इसके लिए। आप देख लेना 2-4-6 महीने के अंदर जो हालात आज यहाँ पे माइनिंग की वजह से गैंगवार और कितने यूथ
उसमें गलत कार्यों में इन्वॉल्व हो चुके हैं, गुंडागर्दी में इन्वॉल्व हो चुके हैं। आज जो है नाकों पे श्याम सिंह राणा जी कह रहे थे खड़े हैं लोग, आज वो कौन लोग हैं? वो कहां सरकार के आदमी कहां है? वो आज वो प्राइवेट ठेकेदारों की फोर्स है वो, आज वो लड़ रहे हैं एक दूसरे, आज माइनिंग के नाम के ऊपर उसके नीचे सरकार की मिली भगत से आज नकली पर्चियां देके नकली ट्रकों के नंबर भी गलत हैं उसमें। तो इतनी माइनिंग हो रही है जहां 8 घंटे होनी चाहिए थी सारी रात, आज सड़कों में बुरा हाल हो चुका है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और मुख्यमंत्री से हम यही कहते हैं कि इसकी जांच कराइए, सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी। बीजेपी का पक्ष जानेंगे एक बार फिर से। संजय आहूजा जी आप हैं फोन लाइन पर। जी, जो आंकड़ा बताया गया है अशोक तंवर की ओर से 13 घाट में से 8 घाटों पर अनुमति मिली है, बिना अनुमति के 24 घंटे माइनिंग करवाई जा रही है। साथ ही रोजाना की अगर बात कर ली जाए 7,000 टन रोजाना माइनिंग हो सकती है, लेकिन 1,00,000 टन से ऊपर का यह आंकड़ा बताया गया है। इस पर जवाब दीजिए, इतना बड़ा अंतर कैसे, क्या सरकार को वाकई जानकारी नहीं? नहीं, मैं इस चीज से थोड़ा सा फर्क नहीं रखता कि ये आंकड़ा आया कहां से इनके पास। आरटीआई का हवाला दिया बात, ये आरोप सुनिए, ये आरोप आज नहीं, ये बात सुनिए मेरी बात जी। आरोप इन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी, मंत्री, विधायक सारे इसमें शामिल है। ये बात कहां तक सच है? सर, ये लोगों से पूछो ना, आप जाके जहाँ हरियाणा में जाओ ना, आप नारायणगढ़ में जाइए, आप यमुनानगर में जाइए, आप डाडम में जाइए, आप करनाल में जाइए। सुनिए, हम पूरे हरियाणा की बात कर रहे हैं, पूरे हरियाणा में कह रहा हूँ, जीरो टॉलरेंस की हमने बात किया तो हम दे रहे हैं सरकार। आप एक आपने कहा जांच, अभी आपके विधायक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इस मामले की हम जांच करवाएंगे, चूंकि बड़े आरोप हैं। क्या हरियाणा बीजेपी का पक्ष है ये? सुनिए एक बार के लिए। बिल्कुल ज्योति जी, मैं सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाई जाएगी, हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता का पक्ष है ये इस मामले में? मैं वही बात कर रहा हूँ जी, जिस भी एजेंसी से जांच कराना चाहे विपक्ष, हम उस एजेंसी के लिए तैयार है, तो करवाते क्यों नहीं? आपके विधायक ने जो कहा उससे इत्तेफाक रखते हैं। अब ज्योति जी ये कह रहे करवाते क्यों नहीं? हाँ। आज इन्होंने बात, तो हमने कब कहा जांच नहीं कराते? इन्होंने बात कही दवा घोटाले को लेकर, इनेलो कहती है सीबीआई से जांच करवा दीजिए, वहाँ आप लोगों का सीबीआई से जांच करवाने का मूड नजर नहीं आया, उन आरोपों को लगे तो वक्त हो चुका है। ऐसा 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 है हाँ। तो चेहरा देखकर मूड नहीं पापा जाता है कि उसका चेहरा क्या कह रहा है जी। हमने जो जीरो टॉलरेंस की बात की, इन्होंने कहा अभय चौटाला जी ने आरोप लगाया, आपने कहा, आप अपनी बात पर रही, आपने कहा कि विपक्ष जो कहेगा उसी एजेंसी से जांच करवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी है, संजय जी सुनिए, संजय जी सुनिए, अब संजय भाई आप सुन लीजिए, आपने ओन एयर ये बात कही है कि विपक्ष जिस एजेंसी को चाहेगा आप उससे जांच करवाएंगे। पहली बात, हम आपसे ओन एयर ये डिमांड कर रहे हैं कि इस घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से करवाइए। नंबर टू, अरे संजय भाई सुन तो लो, अभी लंबी फहरिस्त है आपके घोटालों की, सुनो अभी। दवा घोटाले की हमने मांग की थी कि सीबीआई से जांच करवाइए, मैं उम्मीद करता हूं जैसे आपने वायदा किया आप करवाएंगे, अभी अभी आपने किया। संजय भाई एक और बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, अभी अभी एक अच्छी बात यह है कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री ने भ्रष्टाचार की यमुनोत्री पे आरोप लगाया है, और यह भी कहा है कि अगर सरकार ने जांच नहीं करवाई तो कांग्रेस के भाई सड़कों पर आएंगे। प्रदेश का किसान धान खरीद में लुटता रहा, ये कांग्रेसी एसी कमरे से बाहर नहीं निकले थे संजय भाई। अरे प्रदेश का किसान सरसों में लुटा, ज्वार में लुटा, लेकिन मेरे कांग्रेसी मित्र एसी कमरे से बाहर नहीं आए, अभी तो बाहर आए। ट्रैक्टर को आपने कमर्शियल व्हीकल में डाल दिया था। अच्छी बात ये है कि आज भूप सिंह राणा जी यहाँ बैठ के डिमांड कर रहे हैं कि कांग्रेस का कार्यकाल हो, बीजेपी का कार्यकाल हो, या एनडीए का कार्यकाल हो, सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग जज से जांच करवाए। मैं ठीक कह रहा हूँ भूप सिंह? आप सभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल की मांग भी कर रहे हैं, बंसीलाल जी के भी कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, हम तो खुद कह रहे हैं। विपक्ष चाहता है जांच करवाना, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सरकारी पक्ष रख रहे हैं यहाँ पे, तो आप जांच जरूर करवाएंगे। क्या मैं सही मान रहा हूँ? बहुत बड़ा वादा इनकी ओर से किया गया है कि विपक्ष जिस भी एजेंसी से कहेगा सरकार जांच करवा लेगी। ज्योति जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये सच कह रहा हूँ कि जिससे भी कहेंगे हम जांच कराएंगे, लेकिन जनता को भ्रमित नहीं करे विपक्ष, बस इतना मेरा कहना है। अरे सर संजय जी, ग्राउंड पे भी जाके देखिए ना, आप ग्राउंड में लोगों को देखिए, गैंग वार शुरू हो चुकी है।
अरे सुनिए, जो लोग आपने लगाए हुए हैं वो लोग कौन है, नागपुर में कौन लोग है, वो गुंडा तत्व है। ये संभव था कि कांग्रेस कहती कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाई या फिर कहती कि सीबीआई से जांच करवाई जाए। खुद हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि वो जांच करवा लेंगे। ज्योति जी, जो विपक्ष में थे बीजेपी वाले, वो ठीक इसी तरह के आरोप जैसे आज राणा साहब लगा रहे हैं वो कांग्रेस के ऊपर लगाते रहते थे कि वहां माइनिंग चल रही है, वहां ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है। इन्होंने करना कुरना कुछ नहीं है, ना ही कोई जांच होनी है। जांच होगी, कोई कमेटी बैठेगी, तब तक अगली सरकार आ चुकी होगी, कुछ और हो चुका होगा। अनिल जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जांच होगी और जो तथ्य सामने आएंगे। अरे आहूजा जी, मुझे पता है अच्छी तरह से, जिस तरह की जांच होती है वो उन्होंने भी करवाई थी कांग्रेस वालों ने, कि जांच होगी। वो सारी माइनिंग चलती रहती थी पिछली गवर्नमेंट के टाइम में भी, ऐसी जांच आप करवाएंगे। ये सारी चीजें मिले हुए, मैं आपको बताता हूँ। 2009 में हम अथनी कुंड बैराज में मैं खुद गया था वहाँ पे। उस टाइम ये हालात ये थे कि वो अंग्रेजों का बनाया हुआ, और वहाँ पे जो है पानी का फ्लो तय किया गया है कि पानी इसी दिशा में बहे। वो फ्लो तक को इन्होंने नहीं छोड़ा था, वो भी इन्होंने बिल्कुल खोद रखा था। और नदी की धारा जो है आज इनकी माइनिंग की वजह से बदल रही है। और ये दो स्टेटों के बीच की लाइन है जो सीमा तय करती है, यमुना नदी माइनिंग है। और एक बात आपको बता दूं आहूजा जी, यमुना नगर में पत्रकारों के बीच में कहा जाता है कि यमुना की तरफ मत देखो, खाने पीने की मौज है, नहीं तो वहीं पर गाड़ के दबा दिए जाओगे। कोई भी इस तरह की रिपोर्टिंग वहां पर करने के लिए नदी में नहीं जाता है। तो कई सारे अनिल जी, हाँ। ये तो फिर वही बात हो गई कि पत्रकार भी इसका मतलब इंग्रेस। और एक 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 आहूजा जी, एक एक बात बहुत आसान है सर कहना, आपके लिए सबसे आसान है कहना, एक बात और बताता हूं मैं आपको, सबके लिए सबसे आसान है। हमने आज इस मुद्दे पर चर्चा की है, सबका चौथा स्तंभ मानते आप, इस पर सरकार जांच करवा दे कि पिछली सरकारों ने भले ही जांच ना करवाई हो, बीजेपी जांच करवा दे। मैं आहूजा जी के संज्ञान में एक बात और लाना चाहूंगा कि सरकार किस तरह से हेराफेरी करती है। जो अच्छी माइनिंग होती है उसकी तो बोली नहीं की जाती, उसके साथ वाले छोटी से पॉकेट की मोली कर दी जाती है और कह देते हैं इसको खोद लो भाई। तो इस तरह की चीजें जो है ना सबके संज्ञान में है, पर यह है कि कोई वहां पर जो है बैड एलिमेंट्स ना आए और खनन जो है उसका रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास जाए प्रॉपर। आप इसके बारे में ये कहें कि भाई हम इसको रोकेंगे और इसकी प्रॉपर बोली की जाएगी। बिल्कुल, हम लोग मुद्दे उठाते हैं उसमें कोई दोराय नहीं। आपके पास आएंगे राजीव रंजन जी, पहले भी कभी जांच नहीं करवाई गई इस तरह के मामलों की, अब एक बार फिर से बड़े आरोप। ये देखिए, ये बड़ा टफ डिसीजन है, जो माइनिंग का डिसीजन है, जो करप्शन का डिसीजन है। पॉलिटिकल लीडरशिप में ये इंडिपेंडेंटली ये जांच नहीं कराना चाहते हैं। ज्यादातर केसेस में आपने देखे होंगे कि जहां या तो कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है या फिर जहां किसी का पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो, यार इसलिए फंस रहा है तो उसको फंसा दो, वहाँ इन्वेस्टिगेशन तुरंत हो जाती है, सीबीआई को केस दे दी जाती है। लेकिन समाज के हित में, डेमोक्रेसी के हित में और जो हमारा पॉलिटिक्स है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स के हित में जब जांच की बात आती है सब लोग टालमटोल करते हैं। ये जो माइनिंग का प्रॉब्लम है हरियाणा में, ये तो बिल्कुल सही है कि ये सालों से चला आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के कितने ऑब्जर्वेशन है एनसीआर को लेकर के, लेकिन जाँच नहीं हुई। इस मामले में भी जाँच नहीं होगी, क्योंकि देखिए इसके लिए एक आप में वो जज्बा चाहिए पॉलिटिकल लीडर, और अगर वो नहीं है तो आप नहीं कराएंगे। दुर्भाग्य से माइनिंग को लेकर के आज तक कहीं भी इस आसपास के स्टेट्स में देख लें, कोई जांच नहीं हुई है। हमारे पास दुर्गा नागपाल का एग्जांपल है, उन्होंने जब उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर के ऊपर ट्रैक्टर बंद कर दिया, ट्रांसफर हो गया। मध्य प्रदेश का एग्जांपल है, कहीं कुछ नहीं हुआ। एनसीआर में तो चलिए बरसों से चला आ रहा, एनजीटी के कितने ऑब्जर्वेशन आए, कोर्ट के कितने ऑब्जर्वेशन आए, लेकिन अरावली में होता आ रहा। तो वो पॉलिटिकल लीडरशिप की जो कॉम्प्लिसिटी है, जब तक वो खत्म नहीं होगा इसकी जांच नहीं हो सकती। कुछ भी नहीं है, कांग्रेस पर आरोप लगते रखे, अब बीजेपी पर आरोप लग रखी है, पिछली सरकारों के दौरान भी कमोबेश ऐसा ही हुआ। देखिए ज्योति, इसमें तो कतई कोई दोराय नहीं है। अगर आप 10 साल का कार्यकाल हुड्डा साहब को देख लो तो उसमें आपने देखा कि किस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला था। अब आप अगर 4 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का देख लो तो भ्रष्टाचार पूरे चरम सीमा पे है। उससे पहले भी याद है 10 साल पहले लड़ाई, मैं तो कह रहा हूँ पहले बोल दिया भाई जांच करवा लीजिए, सच्चाई आ जाएगी जनता के सामने, केवल आपके बोलने से तो काम चलेगा नहीं, वो तो तथ्य बताएंगे। ठीक है ना, झूठ का प्रचार कब तक टिका करता है राणा जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इलीगल माइनिंग की वजह से गोरोंडा थाने में पुलिस ने कुछ अर्थ मूवर्स और ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े, वो न्यूज थी बाकायदा। सरकार के मंत्री जाते हैं उसको छुड़वाने के लिए, तो अगर सरकार के मंत्री इलीगल माइनिंग के दौरान हुई कार्रवाई के ऊपर इस तरह से संरक्षण देंगे तो स्पष्ट है भ्रष्टाचार बढ़ेगा। कानूनन जो माइनिंग हो रही है, लीगल वे से जो माइनिंग हो रही है, उस पर तो किसी को ऐतराज नहीं है। ऐतराज इस बात का है कि कानून को धत्ता बता के प्रदेश के संसाधनों की लूट,
जो रेवेन्यू प्रदेश सरकार को मिलना चाहिए, जो संसाधन लोगों के हैं, प्रदेश की जनता के हैं, उसको अगर गैर कानूनी ढंग से कोई लूट रहा है तो उसकी जांच होना स्वाभाविक और करना चाहिए। अपने इस कर्तव्य का पालन और संवैधानिक कर्तव्य है तो करना चाहिए इसका। देखिए, दो ही पक्ष हो सकते हैं, या तो मॉनिटरिंग आप लोगों की ओर से ठीक ढंग से नहीं की गई, या फिर सरकार भी खुद शामिल है, जो कि कांग्रेस आरोप लगाती है। दोनों ही चीजें गलत है, मैं इस चीज को मानता हूँ। जैसे अभी राणा जी ने भी बताया कि हर उस पे नाके लगाए जाते हैं, और ये अभी प्रवीण अत्रे जी ने एक बात कही कि आप आरोप बंद लगाइए, तथ्य सामने आएंगे। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, तथ्य सामने आने दीजिए ना, हम जांच से कहाँ भाग रहे हैं। आपने विपक्ष ने आरोप लगाया इतने लाख करोड़ की माइनिंग हो रही है, अवैध खनन हो रहा है, आरटीआई का हवाला दिया गया है आप लोगों की ओर से। हाँ बिल्कुल, आरटीआई का हवाला दिया गया है, ये आरटीआई के हवाले से ही वो है, और अभी हम और सबूत भी इकट्ठे कर रहे हैं, अगले आने वाले दिनों के अंदर हम सारे सबूत इनको दे देंगे। बिल्कुल, हम इनका हम आरटीआई का हवाला दिया गया है, कम से कम जांच नहीं कराई, इन्होंने फिर ध्यान कहीं ना कहीं भटका दिया, गंभीरता से इस मसले को नहीं लिया, जिसका हेल्थ पर नुकसान है, एनवायरमेंट पर नुकसान है, और साथ ही राजनीतिक मिलीभगत कितनी है, वो एक बड़ा पहलू है। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, इन्होंने कहा कि आरटीआई से लिया, और इन्होंने और भी तथ्य इकट्ठे कर रहे हैं। जो इन्होंने आरटीआई से लिया तो उसकी जांच ही हो सकती है, हमने उसकी जांच की आपको विश्वास दिलाया है कि उसकी जांच होगी। और इसमें आप ये छोड़ दीजिए कि कोई आरोपी, चाहे वो नीचे चपरासी है, चाहे वो मुख्यमंत्री तक है, मतलब हम इस चीज के लिए कड़े विरोध में है कि आरोप मत लगाए, साबित करें, और उसके लिए अगर वो जांच किसी भी एजेंसी से कराना चाहे, हम जांच कराने के लिए तैयार है। संजय जी, पहली बात तो यह है कि आरोप को साबित करने का काम होता है सरकार की एजेंसी का, बिल्कुल, और सरकार का काम है उस आरोप की जांच करवाना। आप हैरानी इस बात पे होती है जब आप विपक्ष को कहते हो कि इसको साबित करो, दूसरी बार कहा सरकार दूसरी बार कहा गया इनकी ओर से कि साबित कर दें आरोपों को। और दूसरी एक और चीज जो होती है, मुझे ये समझ में नहीं आता, ये हर बार कहते हैं तथ्य लेके आओ, आप तथ्य मानते किसको है? जब आरटीआई में दुष्यंत जी को जो जानकारी मिली थी उन्होंने रख दिया मीडिया के सामने, और वो सरकार की दी हुई जानकारी थी, ये उसको तथ्य नहीं मानते। और जब हम गए अभय सिंह जी लेके गए, जब किसान धान खरीद में लुट रहा था, किसानों की शिकायत कागज के ऊपर विद एड्रेस नेम नंबर और उनके सिग्नेचर, क्या ये उसको तथ्य नहीं मानते? अब हैरानी इस बात की होती है, जो सबूतों की परिभाषा क्या है बीजेपी निर्धारित करते हैं? ज्योति जी, सबूतों की परिभाषा, किसानों की बात करते हैं, बीज कहाँ मिला करता था पहले सरकारों को? चलिए वो अलग बात है, माइनिंग के विषय पर रहिए, अभी आरटीआई का हवाला दिया गया, बहुत सारे दस्तावेज दिखाए गए, वो बहुत बड़ा विषय है। आहूजा जी, अब भी कहाँ मिल रहा है? किसानों की क्या हालत है? आप किसानों की बात मत कीजिए। नहीं, आप किसानों की बात आप कैसे कर सकते हैं? आप तो उनको जो घोटालेबाज है, पैसे दे दे के विदेशों में भगा दो उनको, ये काम कर रहे हैं आप लोग। अनिल आर्य जी, खुद सीएम पर आरोप लगाए गए हैं, मंत्रियों पर आरोप लगाए गए हैं, इस मामले में तवर क्या हो सकता है? ज्योति जी, तवर के तरफ से क्या, ये तो उससे पहले बीजेपी के खुद विधायक भी कई बार लगा चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के आरोप लगना बड़ी बात है। अगर इस तरह के आरोप पार्टी के एक बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आरोप लगाए हैं, तो निश्चित तौर पर उसकी जांच होनी चाहिए, और खुद मुख्यमंत्री जी को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। मेरे ख्याल से उनकी पीसी के बाद में उनका कल या परसों में बयान आ जाएगा। जो बीजेपी जो सरकार बनने से पहले पार्टी विद डिफरेंस का नारा देती थी, आज जो है वो दूसरी पार्टियों की तरह ही हो गई है, तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जांच की बात होती है, चुनावी मुद्दा रहा उसको लेकर भी जांच की बात होती है, जांच कहेंगे कि जांच करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं, हो रही है जांच, लेकिन हुई जांच कुछ भी नहीं है। कितने भी ऐसे मामले आए हैं जिसमें एक भी फाइंडिंग अभी तक आई हुई हो, अगर किसी की फाइंडिंग भी आती है तो वो रोक ली जाती है। मुझे प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट याद है, एक रिपोर्ट आज तक जारी नहीं की गई है, गोपनीय रखा गया है। तो किस तरह की जो रिपोर्ट है उनको आप किसी सीटिंग जज से या किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से किसी भी चीज के आरोप की जांच कराएं, और उसमें दूध का दूध पानी का पानी निश्चित तौर पर हो जाएगा, लेकिन वो सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हाँ, एक बात तो मैं कहता हूँ, अगर कोई ऐसा विधायक होगा जो मुख्यमंत्री के खिलाफ होगा या पार्टी लाइन पर नहीं होगा, उसके खिलाफ तो पक्का जांच हो जाएगी। हाँ। लेकिन जो फिलहाल पदों पर बैठे हुए हैं उनमें किसी की जांच नहीं होने वाली। आयुजा साहब तो चलो ठीक है जो कह रहे हैं। राजीव रंजन जी, किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश है? इसमें देखिए, जो सबसे बड़ी बात है क्या कि एक जो ये जो आरोप है, सीरियस आरोप जो भी लगते हैं, वो भी अब एक मजाक बनता जा रहा है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। हमें इस बात को मानना चाहिए कि अगर पॉलिटिकल पार्टी इस पे, चाहे वो रूलिंग में हो चाहे ऑपोजिशन की तरफ से आरोप लग रहा हो,
तो उसकी जांच प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से अब आरोप लगाना एक मजाक बन गया है, एक फैशन हो गया है, जो गवर्नमेंट में उसको सीरियसली लेते नहीं है। अगर वो उसमें सही भी आरोप है, उसमें दम भी है, तो उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं होती है। तो डेमोक्रेसी में अगर आप सेनर वॉइस को, सीरियस एलिगेशन को इतना लाइटली लेंगे, तो इससे डेमोक्रेसी कमजोर कर रहे हैं आप। आपका जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक है उसको आप बर्बाद कर रहे हैं। ये हमारे लिए अलार्म बेल है, ये अलार्म बेल है। देखिए ज्योति, बहुत बेहतरीन मुद्दा था जिसके ऊपर चर्चा हो रही थी, और इस चर्चा में जो बड़ा अच्छा मुझे लगा, अभी जैसे भूप सिंह जी ने कहा संजय भाई को कि आप किसानों की बात मत कीजिए, संजय भाई ने उधर से कहा कि भाई आप भी किसानों की बात मत कीजिए। बिल्कुल सही कहा दोनों ने, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसान से धोखा किया है तो इन लोगों ने किया है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, जिसकी किसान सबसे ज्यादा मांग करता है, अपनी लागत का 50% लाभ की मांग करता है। नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जून 2006 में रिपोर्ट आई थी, कांग्रेस का कार्यकाल रहा, उसके बाद लगभग 9 साल रिपोर्ट लागू नहीं की, और ये भाई तो आपको पता है किस तरह से वादा खिलाफी कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे को जो ये बात बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे। किसानों का हित ऐसी कोई नहीं, निश्चित रूप से दोनों ने किया। आपके सामने एग्जांपल है, आपके सामने एग्जांपल है, और जहां दोहराना भी अलग बात है। तो आप मां के ऊपर इतना कुछ किया, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आरोप लगा किसान इलीगल माइनिंग का, तो सरकार को निश्चित ही उसकी जांच करवानी चाहिए। लेकिन मैं फिर वो बात कह रहा हूं कि जिस तरह से प्रदेश के संसाधनों की लूट की जांच की बात है, तो सबकी जांच होनी चाहिए। प्रदेश की जनता को पता लगना चाहिए, इस भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी गंगोत्री है इसकी। ज्योति जी देखिए, जितनी भी जमीन है हमारे यहाँ, संसाधन है, उनका इस्तेमाल, एक वर्ड यूज किया जाता है इस्तेमाल, इस्तेमाल का मतलब यह था कि गवर्नमेंट ने उनका रजिस्ट्रेशन किया है कि ये जमीन इसकी, ये जमीन इसकी है। आज उस चीज का दुरुपयोग होने लग रहा है। ये जितने भी संसाधन है ये जनता के लिए और जनता के फायदे में इन चीजों का यूटिलाइज होना चाहिए, ना कि निजी हित में कि मेरी सरकार आ गई, सारा लूट का सामान मेरे घर आएगा। इसका फायदा आम जनता को होना चाहिए। बिल्कुल, जनता को फायदा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए, वक्त देने के लिए। तो बड़े आरोप है, इनकी जांच करवाई जाएगी या फिर नहीं, या इस मामले को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।